साफ इंसाफ करो, आईजी साहब इंसाफ करो, सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट। आप देख रहे हैं यंगर्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज 26 दिन हो चुके हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के एस्पिरेंट्स को अपना प्रदर्शन को आगे लेते हुए। लगातार एक ही मांग है कि सिलेक्शन लिस्ट को जारी किया जाए और हमारे साथ जस्टिस किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम एस्पिरेंट जो है वो लगातार सिलेक्शन लिस्ट को जारी करने की जो है मांग कर रही है। इन तमाम एस्पिरेंट्स को आज 26 दिन हो चुके हैं, आगे किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन लिस्ट को जारी करने की बार बार ये डिमांड कर रहे हैं। कितनी उम्मीद आगे आपको लगता है अब बची है? 26 दिन हो चुके हैं अपने प्रदर्शन को। मैम हमारी जो पीठ है ना अभी लोहे की बन गई है हमारी। 12 घंटे हमने मैम पेपर एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है, वो 26 दिन से अब यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं होती तब तक हम यहाँ से एक इंच भी इधर से उधर नहीं होंगे। हमारी यही डिमांड है, जो हमारा राइट है, जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी करो। उससे ज़्यादा खाली एक एश्योरेंस तो मांग रहे हैं आपसे, और अपना राइट मांग रहे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें नहीं मांग रहे कि हमें कोई ऐसी चीज़ दे दो जो आपकी उसमें नहीं है, आपकी रीच में नहीं है। हम अपना राइट मांग रहे हैं, जो हमने हार्डवर्क किया है उसका हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, हम यहाँ से उठ जाएंगे। 26 दिन हो गए आज आपको, कितना सब्र आपने रखा हुआ है? मैम जैसे आपने कहा कि आज हमें 26 दिन हो गए, और जहाँ तक पेशेंस की बात है तो हम स्टूडेंट्स हैं, हमने लाइब्रेरीज में 14-14 घंटे बैठने की मतलब हमें पेशेंस है, इतना हमने स्टेमिना है, तो बैठने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा मेन डिमांड है वो सिर्फ इतनी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें एक छोटा सा एश्योरेंस दिया जाए। आप इंक्वायरी कर रहे हो ठीक है आप करें, लेकिन हमें सिर्फ एक छोटा सा एश्योरेंस चाहिए कि हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। हमारी जो मेन लड़ाई है वो स्क्रैप के खिलाफ है, आपको सिर्फ इतना छोटा सा एश्योरेंस देना है। लेकिन इतने मतलब इस छोटे से एश्योरेंस देने के लिए आपको हमको 26 दिन से रोड पर बिठाया हुआ है। और ये सिर्फ 972 की बात नहीं है, ये आने वाली मतलब जेएनके की यूथ की बात है जी। कुछ और भी एक्सपीरियंस हमारे साथ है, क्या कहेंगे आप? क्या कहना मैम, 26 दिन से एक ही चीज़ तो मांग रहे हैं, पहले दिन से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें अश्योर किया जाए कि हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। तो कई सारे नेता जो आपके पास है, भाजपा की बात की जाए वो भी है, बाकियों का भी समर्थन मिला, क्या उस समर्थन का कोई फायदा रहा आपके लिए? पता नहीं मैम, अभी तक तो कुछ ऐसा कोई बंदा सामने आया नहीं जो हमें आके बोले कि हम ऑफिशियली आपको लिख के देंगे कि आपकी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। हमें एक बार लिख के दे दो, एक ऑफिशियली ट्वीट ही कर दो, हम उठ के चले जाएंगे उसी वक्त। हमको इधर कोई घर से निकाले थोड़ी है कि आके इधर बैठ गए आराम से, इधर पिकनिक मनाने थोड़ी आते हैं। गर्मी इतनी आग, एक दो मिनट के लिए यहाँ पर खड़े होकर बैठना उनको बोलना है एक मिनट, हम लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है यहाँ पर। 26 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, घर से निकाले थोड़ी हम लोग, अपने हक की बात मांग कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या करना फिर? ये भी कहा गया था देवेंद्र सिंह राणा द्वारा कि न्याय होगा, किस तरह का न्याय की आप ये देख रहे हो ना किस तरह से हो रहा है? 26 दिन तो हो गए यहाँ पर, हम भी तो वही डिमांड कर रहे हैं कि एक बार हमारे साथ जस्टिस कर लो, हार्ड वर्क करना, कोई फॉल्ट अगर हमारा कोई फॉल्ट है तो वो दिखा दो ना यार कि हमने यहाँ पर फॉल्ट किया हुआ है, तो हम उठ के चले जाएंगे यहाँ से, हमें क्यों बिठाया हुआ है यहाँ पर। तो साफ तौर से इनका ये कहना है कि हमारा कोई फॉल्ट है तो हम उठ के जा सकते हैं, लेकिन इनकी लगातार प्रदर्शन जारी है, इसको लेकर एक ही इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट को जारी किया जाए। अब देखना है इसको लेकर क्या कुछ किया जाता है। अब इस तरह से देखते हैं यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।